नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से ड्रीम टैलेंट के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बारे में, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य का समर कैपिटल भी कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे कौन कौन से साल में बसाया था, आज हम ये जानेंगे। काफ़ी सारे लोग शिमला घूमने गए होंगे या शिमला से ताल्लुक रखते होंगे, पर उनमें से कुछ लोगों को इस हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। जिन लोगों ने आज तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो उन तक पहुंचते रहें। शिमला के आसपास के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही मानव बस्ती के प्रमाण हैं और शिमला को कोली जनजातीय समुदाय ने बसाया था। कोली जनजातीय समुदाय भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कुछ हिस्सों से लोग आकर शिमला को बसाया था। शिमला के आसपास के क्षेत्र 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आने से पहले नेपाल साम्राज्य का हिस्सा थे। सन 1817 में अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत हिमालय की खोज के दौरान शिमला की खोज की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान चार्ल्स प्रैट कैनेडी ने सबसे पहले शिमला को ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में सुझाया था। अंग्रेजों ने शिमला में एक छोटे से हिल स्टेशन की स्थापना की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेफ्टिनेंट रोज ने पहली बार यहाँ पे घर बनाया। इसे आज कैनेडियन हाउस के नाम से जाना जाता है। 1819 में अंग्रेज मैदानी क्षेत्र की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए इस हिल स्टेशन की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया शिमला। और इस शहर के एटमॉस्फेयर से वो इतना प्रसन्न थे कि उन्होंने इसे 1864 में ब्रिटिश इंडिया समर कैपिटल बनाया। 1822 में पहली बार समर सीजन में ब्रिटिशर्स अपनी फैमिलीज को लेके यहाँ पे आए और यहाँ से अपने ऑफिसेज और ऑफिशियल्स काम स्टार्ट किए। 1822 में पहली बार ब्रिटिश ऑफिशियल्स इस हिल स्टेशन पे आए और उन्हें यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने यहाँ से अपना ऑफिस का काम शुरू किया और इस हिल स्टेशन की पॉपुलैरिटी ब्रिटिश ऑफिशियल्स में बढ़ना शुरू हुई। हिंदुस्तान तिब्बत का निर्माण शुरू किया गया 1827 में। इस सड़क में शिमला को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ा गया और इस यहां से शुरुआत हुई शिमला की डेवलपमेंट की। 1830 में शिमला के विकास में तेजी आई और अधिक से अधिक ब्रिटिश अधिकारी और उनके परिवार अपने समर्स बिताने के लिए यहां आना शुरू हुए। अंग्रेजों ने यहाँ पे घरों का, चर्चों का और अन्य बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शुरू किया। सतलुज रिवर पे पहला ब्रिज 1832 में बना, जिससे शिमला की कनेक्टिविटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आई। कलकत्ता की तपती गर्मी से बचने के लिए शिमला आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश राज की समर कैपिटल बनाया गया 1841 में। शिमला में पहले पोस्ट ऑफिस की स्थापना 1851 में हुई। 1857 में जब भारतीयों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपना मोर्चा खोला था, जिसे हम स्वतंत्रता से पहले का युद्ध के रूप में जानते हैं, इस युद्ध का शिमला पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। अंग्रेजों ने इस शहर में आकर शरण ली थी। वाइसरॉय जॉन लॉरेंस ने शिमला को 1864 में
समर कैपिटल घोषित किया था और इसके बाद शुरू हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम। इस डेवलपमेंट में ग्रैंड होटल और गोर्टन कैसल का निर्माण किया गया था। नाइनटीन सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते शिमला बहुत ही लोकप्रिय हो गया था ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में, और इसे एक फैशनेबल हिल स्टेशन बनाया गया जहां पे स्कूल, क्लब और अन्य सुविधाएं की स्थापना की गई इस शहर में। 1888 तक पहुंचते पहुंचते ब्रिटिश शासन में शिमला की एक अलग ही पहचान बन गई और वो इतना पॉपुलर हो गया शहर कि वहाँ पे सड़कों का, रेलवे का और अन्य बिल्डिंग का निर्माण बहुत ही तेजी से होने लगा और ये शहर एक हलचल वाले शहर में बदल गया। 1888 में वाइस रीगल लॉज का निर्माण हुआ जिसे अब राष्ट्रपति निवास भी कहा जाता है। 1903 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कालका शिमले रेलवे लाइन को कंप्लीट किया और शिमला को भारत के प्लेन एरिया के साथ जोड़ दिया गया। 1930 तक शिमला ब्रिटिश इंडिया का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना रहा। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद शिमला नए स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना। 1948 में पंजाब का कैपिटल बनाया गया शिमला को इंडिपेंडेंस के बाद। आजादी के बाद शिमला बहुत ही पॉपुलर रहा हिल स्टेशन के तौर पे और 1966 तक ये पंजाब का समर कैपिटल रहा। उसके बाद 1966 में हिमाचल की राजधानी के रूप में शिमला को विकसित किया गया। 1972 में शिमला एक हिस्टोरिकल इवेंट का हिस्सा बना था जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, जिसे हम आज शिमला एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो शिमला में बहुत सारे हेरिटेज साइट्स हैं, मगर हम आज बात करेंगे कुछ फेमस हेरिटेज साइट्स के बारे में। रिज उनमें से सबसे मेन है, इसे शिमला का दिल भी कहा जाता है। ये एक ओपन स्पेस है जहाँ पे लोकल और टूरिस्ट इकट्ठा होते हैं और घूमते हैं। ये अपने कलोनियल एरा आर्किटेक्चर के लिए भी फेमस है। इसके चारों तरफ पहाड़ों का एक अलग ही नज़ारा है। इसके बाद आता है चर्च। चर्च रिज पर बसा हुआ बहुत ही फेमस और सबसे नॉर्थ इंडिया का सबसे पुराना चर्च में से एक है। ये नियो गॉथिक स्टाइल में बना था 1857 में और ये अपने स्टनिंग ग्लासेस विंडो के लिए फेमस है। तीसरे नंबर पे आता है वाइस रीगल लॉज, जिसे हम आज की डेट में राष्ट्रपति निवास के नाम से जानते हैं। इन्हें ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया था। गेटी थिएटर भी बहुत ही फेमस हेरिटेज साइट है जिसे 1887 में बना था। विक्टोरियन स्टाइल थिएटर में बनाया गया था। ये विक्टोरियन स्टाइल का अलग अलग टाइप के कल्चरल प्रोग्राम परफॉर्म किए जाते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस जैसे कि प्ले और अदर इवेंट्स। थिएटर जाना हेरिटेज साइट में टाउन हॉल, इसके अलावा बहुत ही इंप्रेसिव टाउन हॉल है और ये जो बहुत ही इंप्रेसिव बिल्डिंग है शिमला की का बहुत ही एसेंशियल पार्ट थी कल्चरल एक्टिविटीज के लिए ब्रिटिश एरा में। उसके बाद एक हेरिटेज पॉइंट है स्कैंडल पॉइंट, उसके अलावा एक स्कैंडल बहुत ही फेमस स्टोरी जो रिज पर ही बना हुआ, जिसमें महाराजा और पटियाला, ये महाराजा पटियाला ब्रिटिश वाइस रॉय की बेटी दोनों भाग गए थे इस पॉइंट से। वाइस रीगल लॉज जिसे राष्ट्रपति निवास भी कहा जाता है, ये वाइस रीगल लॉज ओरिजिनल नाम था वाइस रॉय के समर रेजिडेंस का।
जो कि आज की डेट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करें तो मॉल रोड बहुत ही फेमस और पॉपुलर रोड है रिज के पास में, जो कि शॉपिंग और कमर्शियल हब है शिमला का। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे पुरानी बिल्डिंग्स शामिल हैं। हिमाचल स्टेट म्यूजियम भी एक हेरिटेज साइट है, जो कि अपनी पेंटिंग्स और अदर कल्चरल हेरिटेज के लिए मशहूर है। हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करें तो जाखू टेंपल भी एक हेरिटेज साइट है, जहाँ पे हनुमान जी का बहुत ही फेमस मंदिर है शिमला में। शिमला की हेरिटेज साइट्स की अगर बात हो रही हो तो टॉय ट्रेन का जिक्र ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कालका शिमला रेलवे, जो टॉय ट्रेन के नाम से फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी, और ये हिमाचल को प्लेन एरियाज के साथ जोड़ने का काम करती है। शिमला के अगर हम पुराने बाजारों की बात करें तो लक्कड़ बाजार और लोअर बाजार दो पुराने बाजार हैं, जहाँ पे लक्कड़ बाजार में पुराना लकड़ी का सामान बेचा जाता था और लोअर बाजार में पुराने बिल्डिंग्स आज भी देखने को मिलती हैं जो ब्रिटिश टाइम पे बनी थी। ब्रिटिश हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश स्ट्रीट लैंप्स हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं रिज मॉल और उसके आसपास के एरिया में। आज की डेट में बहुत सारी पुरानी कलोनियल एरा की बिल्डिंग्स को हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आज हमने जाना शिमला के बारे में कि कैसे कैसे शिमला एक पहाड़ी से एक बड़े टूरिस्ट प्लेस में बदला, और जिसमें ब्रिटिश एम्पायर का बहुत बड़ा योगदान था। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आप तक लाते रहें। धन्यवाद।